पूर्व सांसद धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ ने दबिश दी है। लखनऊ और जौनपुर में जारी है पुलिस की छापेमारी। विभूति खंड में हुए अजीत हत्याकांड के साजिशकर्ता पूर्व सांसद धनंजय सिंह तक पहुंचने के लिए पुलिस की कार्रवाई में तेजी आ गई है। पूर्व सांसद के जौनपुर स्थित आवास समेत लखनऊ में गोमती नगर के एक अपार्टमेंट और कुर्सी रोड स्थित मकान में छापेमारी की गई है। पुलिस टीम को हत्याकांड का साजिशकर्ता यानी पूर्व सांसद धनंजय सिंह अभी तक नहीं मिला है और अब उसके लिए जो जांच है वो तेज कर दी गई है, उसके लिए तफ्तीश तेज कर दी गई है, कोशिशें और भी ज्यादा तेज कर दी गई हैं और अब दबिश दी जा रही है एसटीएफ की तरफ से पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर आरोप लगे अजीत सिंह हत्याकांड को लेकर और इसी में अब कार्रवाई जारी है। और अब आइए आपको विस्तार से हम ये समझाते हैं कि अजीत हत्याकांड में धनंजय सिंह पर आरोप दरअसल है क्या। अजीत सिंह हत्या में साजिश रचने का आरोप धनंजय सिंह पर है। हत्याकांड के शार्प शूटर्स की मदद करने का आरोप है। 302, 307 समेत आईपीसी की कई धाराओं में आरोपी है धनंजय सिंह। शूटर गिरधारी को एनकाउंटर में हालांकि मार गिराया गया था। सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। प्लानिंग के तहत हत्या कराने का आरोप धनंजय सिंह पर है और इसी सिलसिले में धनंजय सिंह के लिए अब तफ्तीश जारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई अब की जा रही है और दबिश अब पुलिस की तरफ से दी जा रही है, यूपीएसटीएफ की तरफ से दी जा रही है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो धनंजय सिंह की ये कोशिश अब की जा रही है। विवेक त्रिपाठी जुड़ गए मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्या जानकारी आपके पास, अब आगे क्या यूपीएसटीएफ और पुलिस करने वाली है? जी प्राची, देखिए यहाँ से जब से धनंजय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है उसके बाद से पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार उनकी तलाश कर रही हैं। यहाँ पर गोमती नगर के शारदा अपार्टमेंट में उनका एक फ्लैट है, फ्लैट में कुछ लोग रहते हैं और इसके अलावा कुर्सी रोड पर गुडम्बा में उनका एक मकान है, वहां पर भी धनंजय का परिवार के कुछ सदस्य रहते हैं। जो जौनपुर में इनका पैतृक आवास है वहां पर भी पुलिस टीम गई थी, वहां छानबीन हुई है, लेकिन धनंजय सिंह जिस दिन गैर जमानती वारंट जारी हुआ है उसके बाद धनंजय सिंह गायब हैं और वो पुलिस को मिल नहीं रहे हैं। एसटीएफ की टीम और पुलिस की टीम लगातार उनकी तलाश कर रही है। उनके जो मोबाइल नंबर हैं वो सर्विलांस पर लिए गए हैं, उनकी लोकेशन मोबाइल नंबर की खंगाली जा रही है, कुछ जो मोबाइल नंबर हैं वो स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं। इनके जो करीबी हैं, जो मददगार हैं, कई लोग जो इनके साथ इस टीम रहती है उनके मोबाइल नंबर भी पुलिस ने सर्विलांस पर लगाए हैं, लोकेशन जा रही है कि आखिर वो कहाँ पर हो सकते हैं। पुलिस की टीमें लगातार छानबीन कर रही है, हालांकि अभी तक धनंजय को कुछ पता नहीं चला। यानी पूरी कोशिशें की जा रही है कि धनंजय सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी।